गाइस, मेनी पीपल्स फॉर आस्किंग अबाउट माय हेयर केयर रूटीन। तो देर किस बात की है भाई साहब, आज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर केयर की रूटीन। इसलिए इतनी अच्छी जो मैं हेयर केयर करती हूँ ना, इससे मेरी जो जुल्फे है वो इतनी ज्यादा लहराती है, इतनी ज्यादा मंडराती है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है अपनी जुल्फे। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ। वैसे मैं पहले भी आपके साथ शेयर की हूँ कि आई लव कोकोनट ऑयल। मैं हेयर ऑयलिंग के लिए कोकोनट ऑयल से ज्यादा बेटर और कुछ नहीं समझती हूँ। और जो प्रोडक्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो तो बहुत ही बवंडर प्रोडक्ट है। दिस इज बाई ब्रांड सोलफ्लावर। इनके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑयल के साथ साथ मैं हमेशा एक एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ, लाइक जो भी मेरा कोकोनट ऑयल है उसके साथ। और एसेंशियल ऑयल में रोजमेरी ऑयल से बेटर और कुछ हो भी नहीं सकता है हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर को बेटर करने के लिए, हेयर में वॉल्यूम लाने के लिए। इसीलिए तो मतलब मजा आता है मुझे भी अपनी जुल्फे लहराने में, क्योंकि मैं अपनी हेयर की केयर इतनी बवंडर तरीके से करती हूँ ना कि भाई साहब सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी जुल्फों में क्या ही लगाते हो। तो सबसे पहले मेरा ये कोकोनट ऑयल, दिस इज माई ब्रांड सोलफ्लावर। सोलफ्लावर इसलिए मैं बोल रही हूँ इन ब्रांड के बारे में इतनी इसीलिए तारीफें करी हूँ ना, बिकॉज इट्स 100% प्योर एंड वीगन हाई परफॉर्मेंस हॉलिस्टिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट करियर ऑयल थेराप्यूटिक ग्रेड ट्रेडिशनल हैंडमेड, दैट्स व्हाई। एंड इट्स कंटेनिंग विटामिन ऑल्सो। कैटेगरी जो है वो कोल्ड प्रेस्ड है, ऑयल थेरेपी है। बेनिफिट से मॉइस्चराइजर स्किन, हील्स ड्राई एंड डैमेज हेयर, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, एंटीबैक्टीरियल, सूथ स्किन इंट्रूजन। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर आर स्किन। अगर हम लोग चाहें तो इसे अपने फेस में इसकी मसाज भी कर सकते हैं या फिर इसे हम अपनी बॉडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोकोनट ऑयल को अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसमें जब मैं ये रोज मेरी एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ ना, तो बाप रे इसकी गुडनेस जो है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो हेयर ग्रोथ है वो माशाल्लाह मेरा पहले से बहुत ज्यादा बेटर होने लगा है। तो चलो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हाँ, ये जो रोजमेरी ऑयल है ना, इसमें नहीं है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है भाई बॉक्स में तो रहेगा नहीं। तो इसकी गुडनेस के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सो इसके जो बेनिफिट्स है वो सूथ स्किन एंड स्कैल्प, स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल्स, प्रिवेंट्स एजिंग साइंस। तो ये हम अपने फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल दोनों ही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है, ऑल स्किन एंड हेयर टाइप के लिए है ये। दिस इज ऑल्सो थेराप्यूटिक ग्रेड एरोमाथेरेपी, 100% प्योर एंड नेचुरल। और हाँ, इन ब्रांड की खासियत जो है वो ये है कि इट्स 100% नेचुरल एंड प्योर, फार्म टू फेस, क्रुएल्टी फ्री, पेटा अप्रूव्ड, ESG सर्टिफाइड। तो चलो अब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने इन जुल्फों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हाँ, ऑयलिंग के बाद ना 2 से 3 घंटे के बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ। आप भी अपने नॉर्मल शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। तो आज भाई सब इस्तेमाल करते हैं, दोनों को भी मिक्स करके लगाना। तो कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसा मिक्स करना है, ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें ना इसमें लेना है कोकोनट ऑयल अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, तो मैं बहुत सारा लेती हूँ। और इसमें क्या करना है कि 7-8 ड्रॉप आप लोग इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का डाल दो, अच्छे से मिक्स 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 कर लो। उसके बाद इसको अपने स्कैल्प से लगाना इस्तेमाल करो। जब आप लोग स्कैल्प पे लगाओगे ना, बहुत ही बेटर वाला कूलिंग सा सेंसेशन होगा, जैसे हम लोग कपूर लगाते हैं ना उस तरीके से। एंड लिटरली स्कैल्प इतना फ्रेश फील करेगा ना, पूरा सर का दर्द भी गायब। यार इससे मसाज और इसे चंपी लेने में ना दिल बहुत ही खुश हो जाता है और हेयर बहुत अच्छा हो जाता है। एंड लिटरली आई लव दिस हेयर केयर। बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं लगाने हैं, बहुत ही सिंपल सा है। लाइक आप इसको वीक में ना 2 बार करो। और ये जो एसेंशियल ऑयल है ना, दिस इज़ लाइक वाओ वाओ वाओ। इसके इस्तेमाल से आपके बाल में जितने भी डैंड्रफ वगैरह है ना, उन सबको ये हटा डालेगा। एंड स्कैल्प आपका देख रहे हो ना, एकदम फ्रेश स्कैल्प बना देगा। आई एम इन लव विद दिस हेयर केयर रूटीन। मतलब ये ना एकदम मेरे दिल के करीब में आ गया। इन बालों और जुल्फों को भी देखो, आए हाय क्या मस्त बवंडर वाली लहराते हैं, आई लव इट। तो हाँ, इसके सारी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से चेक करो। और इनके ऑयल्स को और एसेंशियल ऑयल को ज़रूर से यूज़ करो, आपको भी अपने हेयर ग्रोथ में ना फ़र्क देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप इसे स्किन केयर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट बहुत सारे लोगों ने मुझसे हेयर केयर के बारे में पूछा था, तो ये बस मेरा हेयर केयर का वीडियो था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, ज़रूर से चेकआउट करना। बाय।